हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन चौक में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अनोखी व शानदार पुस्तक का रिव्यू करेंगे जो कि बहुत ही डिमांडिंग है और इसे बीपीएससी की तैयारी के लिए एक अचूक हथियार के तौर पे छात्रों द्वारा देखा जाता है। तो इस पुस्तक की पहली दृष्टि में आप देख चुके हैं इस तरह से, इसके पिछले जो कवर पे है कुछ और पुस्तकों का मतलब यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जिनमें सामान्य विज्ञान है, आर्थिक सामाजिक विकास है, इतिहास से जुड़े हैं, भूगोल से जुड़े, इसी तरह से करीब 6 पुस्तक को दिखाया गया। इस पुस्तक का कीमत आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस पुस्तक का कीमत जो है 450 रुपया अंकित है, जो कि आपको मार्केट में करीब 270 रुपये में आ जाएगी। तो इस पुस्तक का हम रिव्यू करने जा रहे हैं, क्राउन पब्लिकेशन का है, बिहार सामान्य ज्ञान, सुधीर लाल सर द्वारा है यह। अगले कवर पे कुछ बिहार से जुड़े तस्वीरें दिखाई गई है। इस तरह से यहाँ अनुकर्मणिका में दिखाया गया है बिहार का इतिहास। सबसे पहले तो बिहार का सामान्य परिचय है, बिहार का इतिहास है, प्राचीन कालीन बिहार, मध्यकालीन बिहार, मुगल कालीन बिहार, आधुनिक काल बिहार दिया गया। उसके बाद बिहार की राजव्यवस्था के बारे में कई अध्याय में इसे बांट करके अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। अगले पन्ने पे हम जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे बिहार का भूगोल यहाँ पे दिया गया और इसमें जो मैप का जो सहारा लेकर के बहुत अच्छे से विश्लेषण किया गया है सभी अध्याय को। इसमें मृदा संसाधन, जलवायु, भूगर्भिक संरचना, धरातल, इस तरह से पशुपालन, खनिज संसाधन, वो सारा चीज़ें। फिर बिहार का अर्थव्यवस्था 5 नंबर में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट में बिहार की समाज एवं संस्कृति है, इधर विविध प्रसंग है और बिहार विविध, लास्ट में ग्लोसरी ऑफ एब्रीविएशंस। यहाँ से आपके काम की चीज़ शुरू होती है, बिहार सामान्य परिचय। इसमें करीब, इस पुस्तक में करीब आपको पन्ने मिल जाएंगे, 440 पन्ने मिल जाएंगे इस पुस्तक में, 440 पन्ने हैं इस पुस्तक में, देख सकते हैं 440 पन्नों का यह पुस्तक है। इसमें एक और खासियत दी गई है कि हर अध्याय और टॉपिक के समाप्त होने पर स्वमूल्यांकन वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। टॉपिक के मतलब कितना विस्तारित टॉपिक है उसी अनुसार स्वमूल्यांकन प्रश्नों की संख्या घटती बढ़ती है। यहाँ पे देख सकते हैं स्वमूल्यांकन में 20 प्रश्न हैं। आधुनिक काल, यहाँ पे यूरोपियन व्यापारियों का बिहार में आगमन, ये पूरा बिहार से जुड़ी तथ्यों के आधार पे ही इस पुस्तक को बनाया गया है। स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख घटनाएं यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि ऐसे भी आप इतिहास में पढ़ चुके होंगे, 1798 से 1805, 1807। बिहार कालक्रमण, वित्त व्यवस्था, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ बिहार मैप के द्वारा समझाया गया है। बिहार के जिले हैं, मानचित्र के द्वारा
बिहार में कल्याणकारी एवं विकास योजनाएं, इस तरह के प्रमुख बिंदुओं से साक्षात्कार इंटरव्यू में भी प्रश्न आते हैं जो कि यहां से काम आ सकता है। बिहार में किस प्रकार के कई प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, उन सारा का यहां पे विवरण दिया गया है। बिहार में मनरेगा, उसी तरह से आखिर में बिहार विविध। जिसमें बिहार में प्रथम जैसे राज्यपाल हो गए, सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे, महिला मुख्यमंत्री कौन रही, हिंदी समाचार पत्र कौन सा रहा बिहार का, ये सारा कुछ दिया गया। वैसे ही बिहार में सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है, जिला कौन सा है, रेल पुल कौन सा है, सड़क पुल कौन सा है, रेलवे जंक्शन कौन सा है, नगर कौन सा है बिहार में सबसे छोटा, और आखिरी में ग्लोसरी ऑफ एब्रिविएशंस। बहुत ही सुंदर पुस्तक है और अपने अंदर अथाह ज्ञान समेटे हुए है बिहार के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।